हेलो फ्रेंड्स, किचन गार्डन देहरादून में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको लॉन्ग बीन्स, जिसको बरबट्टी भी कहा जाता है, उसको अपने गमले में कैसे लगाएं उसके बारे में बताऊंगी। तो ये बरबट्टी है, ये मैं बाजार से लाई हूँ। तो इसी के बीज से हम पौधे को तैयार करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें सारे बीज निकाल लेना है। हमें उसी बरबट्टी को लेना है जो थोड़ा सा पका हुआ लगे, और उसके बीज को इस तरीके से निकाल ले। तो इस बीज को अब हम गमले में डाल देंगे। इस तरीके से डाल दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दें, और कुछ दिन में ही ये अंकुरित हो जाएगा। देखिए, ये 2 दिनों के बाद अंकुरित हो चुका है। और इस तरीके से ही मैंने दूसरे गमले में पौधे को तैयार किया था। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है और ये इतना बड़ा हो गया है कि अब हम इसको गमले में लगा सकें। ये 18 इंच का ग्रो बैग है और अब हम इसी ग्रो बैग में हम इस पौधे को लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप गमले तैयार कर लीजिए। तो उसके लिए 50% मिट्टी और 50% ही गोबर की सड़ी हुई खाद को डालिएगा, जो हर एक पौधे के लिए अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से इसकी जगह बना के अपने पौधे को लगा लें, और इसी तरीके से ही हम बाकी भी गमले में लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें जगह बनाना है और फिर इसको लगा देना है। इसके ऊपर से लास्ट में पानी डाल दें। अब हमें इसे 2 दिनों तक धूप से बचाना होगा, तो इसे ज़्यादा धूप ना लगने दें। पौधे को लगाने के 25 दिनों के बाद ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है और इसके काफ़ी अच्छे से ब्रांचेस निकले हैं। कुछ दिनों के बाद ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने इसका पौधा किसी और गमले में तैयार किया, और फिर जब वो बड़ा हो गया तो उस गमले से निकालकर हम इसको बड़े गमले में लगाया था। तो इस तरीके से लगाने से ये छोटे से पौधे में फल देना शुरू हो जाता है। ये एक तरीके की कलम विधि, जिसको कहते हैं, वो कहा जा सकता है इसको। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए। आपके किचन में से जो आलू के छिलके और प्याज के छिलके निकलते हैं, उसको इस गमले में डाल दें। इस तरीके से आप पहले जगह बना लें, और फिर देखिए, ये अरवी के छिलके हैं और प्याज और आलू के छिलके। इस तरीके से इन सभी को गमले के अंदर डाल दें और मिट्टी से इसे जरूर ढक दें। धीरे धीरे ये सभी सड़ जाएंगे और ये खाद का काम करेगा, जो हमारे पौधे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप समय समय पर इसे पानी देते रहिए। देखिए, ये बीन्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसको लगाने का सबसे अच्छा समय जून का महीना होता है, तो आप जून के महीने में इसको लगाइए, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा। 40 दिनों के बाद देखिए, ये जो बीन्स है वो तैयार हो चुका है। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि जो हमारा पौधा है वो बीन्स से भर चुका है, और ये काफ़ी बड़े साइज का तैयार हुआ है। हम अगर मिट्टी में लगाते हैं तो जो उसका फल आता है वो बड़े साइज का आता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारे गमले में भी काफ़ी बड़े साइज का तैयार हो पाया है। देखिए, ये बीन्स पक चुके हैं और इसको अगले साल के लिए रखी हूँ मैं, इससे बीज तैयार करूँगी। ये देखिए, काफ़ी लंबे साइज के हैं, बड़े बड़े साइज के। पौधे लगाने के 1 से 1.5 महीने के बीच ही इसके फल को
को आप खा सकते हैं। तो अब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अपने हाथों में लिया है और मेरे हाथ के साइज से पता चल रहा होगा कि ये काफी लंबे साइज का तैयार हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो हमारा ये बीन्स का पौधा है वो बीन्स से भर चुका है और पत्ते से ज्यादा बीन्स नजर आ रहे हैं। और देखने में भी काफी सुंदर लगता है। आप भी अपने गमले में इसे लगाइए और इसके ताजे फलों का मजा लीजिए। ये 1 किलो बीन्स मैंने अपने गमले से तोड़ा है। ये देखिए काफी फ्रेश है। और जो ये व्हाइट वाला है उसको मैं बीज के लिए रखूंगी। बाकी जो ये ग्रीन्स वाले हैं उसकी सब्जी बनाएंगे। ये बीन्स काफी अच्छे क्वालिटी का है। देखिए ये काफी बड़े बड़े हैं और फ्रेश भी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।